धूप नहीं लगने के वजह से तालाब में तीन चार तरह की जो कॉमन बीमारियां हैं, जैसे मछली में लाल चकत्ते लगना, फंगल इन्फेक्शन, आपको पता चलेगा मछली मर के निकलेगी, आपको पता चलेगा कि उसके शरीर में खास करके अगले पोर्शन में मुंह वगैरह के सामने ये फंगल लग जाता है, लगेगा कि मिट्टी उसमें चिपक गया है, तो आदमी को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मिट्टी का क्यों चिपक गया है। तो इन सब बीमारियों से बचाने के लिए ये मेडिसिन, एक रेड ड्रॉप करके जो मेडिसिन आ रहा है, दुर्भाग्यवश इस तालाब में भी, छोटे से एरिया का तालाब है, बहुत बड़ा तालाब नहीं है, इस तालाब में भी मछलियों में फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सारी मछलियां प्रभावित है, मछली मरी भी हैं, और पंगास मछली है उल्टे बैक आकर के, उल्टे होकर के चलने का प्रयास करती है, ऊपर दो चार मछलियां तैरते हुए नज़र आती हैं। इसीलिए आज हम इस तालाब में आपके समक्ष ये रेड ड्रॉप, लाल बीमारी की दवा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के कारण ये रेड ड्रॉप करके इसका हम छिड़काव कर रहे हैं अपने तालाब में। जब इसका छिड़काव ख़त्म हो जाएगा, हम चारों तरफ से इसका छिड़काव कर देंगे आपके समक्ष, तो ये 5 kg जियोलाइट का पैकेट है, ये बायो जियो करके आता है अपने कंपनी का, 5 kg जियोलाइट भी हम इस तालाब में मारेंगे। आप देखते जाइए किस तरह से हम इसमें रेड ड्रॉप का छिड़काव कर रहे हैं, जियोलाइट का प्रयोग करेंगे। जो भी बीमारी है इस तालाब में, मछलियों को प्रभावित कर रहा है, सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगे। जियोलाइट का प्रयोग तालाब में अमोनिया जैसा कुछ भी किसी तरह का गैस बनने पर, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी रेड ड्रॉप का छिड़काव हमने तालाब में करा दिया है, मछलियाँ कुछ बीमार हैं, तो अब हम जियोलाइट का प्रयोग तालाब में करने जा रहे हैं। ये इस तरह का तालाब है, अभी अभी इसमें रेड ड्रॉप का हमने प्रयोग करवाया है, मछलियाँ कुछ स्ट्रेस में हैं, अब ऐसे हम पानी भी इसमें डलवाते ही रहते हैं 3-4 घंटे, फिर भी टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होने की वजह से, हम तो ऐसे भी, हमारा मेडिसिन का काम अपना ही है, हम तो आपके लिए भी भेजते ही हैं, तो सप्ताह में एक बार कोई ना कोई मेडिसिन जिससे मछलियों में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या तालाब में किसी भी तरह का गैस वगैरह न बन सके, इसके लिए हम मेडिसिन का प्रयोग करते रहते हैं, और आपको भी सलाह देते रहते हैं वीडियो के माध्यम से कि आप भी अपने तालाब में जियोलाइट का प्रयोग, ये देख सकते हैं ग्रेनुअल्स, बहुत सारे लोग अभी भी पाउडर, जियोलाइट पाउडर का प्रयोग करते हैं, वैसा नहीं करिए कि उसमें बालू मिलाइए और ये करिए, उसका लड्डू बनाइए और इधर उधर डालिए, आप जियोलाइट ग्रेनुअल्स का प्रयोग कीजिए, दाना दाना गोली गोली जैसा इस तरह का तालाब में डाल दो, इस तरह का आप डालेंगे, आपको बहुत आसान होता है, कोई परेशानी नहीं होती है, ऐसे किसी बर्तन में आप, किसी कटोरे में, बाउल में आप ले लेंगे जियोलाइट को, ये दाना दाना है, हाथ से ले लेकर के भी आप इसका छिड़काव कर दे सकते हैं। देख लीजिए किस तरह से आप तालाब के किनारे पे खड़े होकर के चारों तरफ से इसका छिड़काव कर देंगे, जो भी टॉक्सिक गैसेस ठंडी के दिनों में जो बनता है सूरज की रोशनी धूप में नहीं आने की वजह से, तो सारे गैसेस को ये, जब प्राकृतिक ढंग से सूरज का रोशनी नहीं लगेगा तो हमको आर्टिफिशियल तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा गैस को दूर करने के लिए, जब सूरज की रोशनी लगते रहती है तो गैसेस दूर होते रहता है, इस तरह का कुहा लगे, धूप ना निकले, तो अनेकों तरह का बीमारियां मछलियों में गैसेस लगने लगता है, तो सारे को दूर करने के लिए मेडिसिन का प्रयोग जियोलाइट, ये देख सकते हैं, मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मछली में किसी भी तरह की बीमारी लगता है तो उसके कहीं ना कहीं कारण होता है कि मछलियों में तालाब में गैस बन गया है, टॉक्सिक गैसेस काफ़ी मात्रा में बन गया आपके तालाब में, यही कारण होता है कि मछलियां बीमार होने लगती हैं। देख सकते हैं हरकत में मछलियां, आप हरकत में भी आ रही हैं, जैसे जैसे जियोलाइट का प्रयोग तालाब में हो रहा है सारी मछलियां हरकत में आएंगी, सारी मछलियां हरकत में आ जाती हैं, तुरंत स्ट्रेस फ्री होने लगती है मछलियाँ, तुरंत जैसे ही आप डालना आरम्भ करेंगे गैसेज आपका निकलने लगेगा तालाब से, मछलियों में हरकत आरम्भ हो जाता है। देख लीजिए 1 एकड़ में 10 kg का प्रयोग करना है आपको अपने 1 एकड़ वाले तालाब में, 1/2 एकड़ का तालाब है तो 5 kg मात्र डलवाइए, 2 एकड़ का तालाब है 20 kg डालना पड़ेगा। तालाब में चारों तरफ से घूम घूम करके आप जियोलाइट का भी प्रयोग करिए, कोई भी मेडिसिन का प्रयोग करिए, या फिर मछलियों को भोजन दीजिए, जो चारों तरफ तालाब में घूम घूम करके भोजन दीजिए, मेडिसिन डालिए, चूने का प्रयोग करिए, अगर तालाब के अंदर आप जा सकते हैं तो और भी अच्छा। चलिए वीडियो को हम विराम देते हैं यहीं पे।
बहुत बहुत धन्यवाद।